आज हम टीवी पर भारत के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक से कुछ गेम चेंजिंग बातें सुनने जा रहे हैं। प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक बेहद अनुभवी पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक के रूप में कोविड के दिनों में उन्होंने किस खूबी के साथ देश के जनता का मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर गुलेरिया अब मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन, पुल्मोलॉजी और नींद चिकित्सा के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं और उनके पास हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाल ही में मिशन टीबी मुक्त हरियाणा नामक एक कार्यक्रम में प्रोफेसर गुलेरिया ने सक्रिय टीबी मामलों और उनके संपर्कों की पहचान करने के प्रयासों को तेज करने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका अपनाया, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सन 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करवाना है तो हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर गुलेरिया सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा की गई अविश्वसनीय प्रतीकों पर जोर देते और कहते हैं, टीबी एलिमिनेशन के लिए बहुत काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, लेकिन बहुत कुछ करने को है और एक्टिव केस फाइंडिंग की जरूरत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टीबी जो है, कई लोगों में टीबी की इन्फेक्शन होती है, वो फैला रहे होते हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं होते, बुखार खांसी वगैरह नहीं होता है। तो इन लोगों को जल्दी अगर हम डायग्नोस कर पाएं और ट्रीट कर पाएं तो बीमारी को आगे से फैलने से रोक सकते हैं। प्रोफेसर गुलेरिया के मुख्य बिंदुओं में से एक है स्क्रीनिंग और नैदानिक उपकरणों, विशेष रूप से एक्सरे। वे जोर देकर कहते हैं, एक्सरे स्क्रीनिंग के माध्यम से सक्रिय मामले का पता लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना ही नहीं, वह उपचार की अवधि को कम करने के लिए टीके के विकास और नई दवाओं को बढ़ावा देने का भी आह्वान करते हैं। प्रोफेसर गुलेरिया जन जागरूकता की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग जो कई जगह हो रहा है, एक्सरे से, स्क्रीनिंग एक्सरे से, स्पूटिंग एग्जामिनेशन से, वो करने की जरूरत है। साथ साथ हमें वैक्सीन पे काम करना है, जिससे हम टीबी की वैक्सीन जल्दी से ला पाएं जो इफेक्टिव रहेंगी, और उसके साथ साथ नई दवाइयाँ की जरूरत है, जो हम टीबी के लिए नई दवाई बना पाएं जिससे उसकी जो जल्दी उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो पाए और हम ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस का कम कर पाए। साथ साथ लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस की जरूरत भी है, जिससे वो डायग्नोज जल्दी हो पाए, वो अपने टेस्ट करने जल्दी से आए, और जो स्पेशली उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर एक टीबी का मरीज है तो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को अगर कोई भी लक्षण हो उनको हम जल्दी डायग्नोज कर पाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। प्रोफेसर गुलेरिया कहते हैं, मेदांता हर जिले में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग में सक्रिय रूप से शामिल है। अगर हम डेटा देखें जो मेदांता ने एफर्ट किया है कि टीबी फ्री हरियाणा के लिए, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करके वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और उस स्क्रीनिंग से ये देखा जा रहा है कि हम और केसेस भी पकड़ पा रहे हैं जो अदरवाइज मिस हो जाते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट मशीनरी में, डॉट सेंटर में जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अगर ये प्रोग्राम हम एक्टिवली सारे देश में करें तो मेरा मानना है कि हम और ज़्यादा केसेस पिकअप कर पाएंगे अर्ली स्टेज पे, और उस स्टेज में अगर हम पिकअप कर पाएं तो फिर आगे बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं कुछ हद तक। एक टीबी मुक्त भारत सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। नमस्कार,